फेडरेशन वर्सेस पहलवान। WFI ने नकारे पहलवाना दे इल्जाम। पहलवाना अते कुश्ती फेडरेशन विचाले चल रही जंग अजे खत्म हुंदी नजर नहीं आ रही। खेड मंत्रालय नू भेजे अपने जवाब च कुश्ती फेडरेशन ने पहलवाना वालों लाए इल्जामा नू ना सिर्फ नकार दिता है बल्कि पूरे घटनाक्रम पिछे साजिश होने तक दे इल्जाम लगा दिते ने। अजे शुक्रवार नू ही पहलवाना ने सरकार दे भरोसे तो बाद जंतर मंत्र तो धरना चुकया सी, पर फेडरेशन दे इल्जामा तो बाद मसला मुड़ गरमा गया। देश दे नामी पहलवाना ने WFI प्रधान ब्रिजभूषण शरण ते शरीरिक शोषण दे इल्जाम लगाए सन। तीन दिन जंतर मंत्र ते धरना भी चलिया। इस पूरे मसले ते खेड मंत्रालय ने 72 घंटे अंदर कुश्ती फेडरेशन तो जवाब मंगया सी। फेडरेशन ने सरकार नू 8 पेजां दा जवाब लिख के भेजिया है। ना सिर्फ इल्जामा नू नकारिया है बल्कि पहलवाना दी नीयत ते भी सवाल उठाए ने। चिट्ठी च WFI वालों लिखा गया है, किसी भी पहलवान वालों WFI नू शरीरिक शोषण बाबत कोई एक भी शिकायत हासिल नहीं हुई, ना ही फेडरेशन दे ध्यान च कदे कोई अजिहा मसला आया। कुछ पहलवाना वालों अपने निजी हितां दे लई इल्जाम लगाए गए ने। जिस ढंग नाल पहलवाना वालों अपने इल्जामा नू साबित करन दे लई धरना लाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ए किसी वड्डी साजिश दा हिस्सा लगता है। सिर्फ फेडरेशन मैनेजमेंट नू बदनाम करन दे इरादे नाल इल्जाम लगाए गए। इल्जामा दे बदले फेडरेशन ने इल्जाम ही लगा दिते ने। खैर, पहलवाना वालों लाए इल्जामा दी जांच दे लई सरकार वालों एक कमेटी बनाई गई है। सरकार दे भरोसे तो बाद ही पहलवाना ने शुक्रवार नू जंतर मंतर तो अपना धरना चुकया सी। जो मांगे यहां पर रखी गई उस पे सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जाँच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है, तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। सरकार वालों गठित कमेटी 4 हफ्ते अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उदो तक WFI प्रधान ब्रिजभूषण शरण अपने औहदे ते कायम नहीं रहेंगे। इस मामले दी जांच दे लई सरकार तो इलावा भारतीय ओलंपिक फेडरेशन वालों भी एक 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, पर WFI वालों सरकार नू भेजे जवाब तो बाद मुड़ तो सवाल उठने शुरू हो गए ने। इल्जाम पहलवाना दे सच ने जां फेडरेशन दे, ए जांच तो बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।